हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमेशा हम लोग हर मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो प्रीवियस मंथ के वन लाइनर करंट अफेयर क्वेश्चन है जो कि कवर करते हैं। 70-80 क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग वन लाइनर के तौर पर कवर करते हैं। ये जो एक वीडियो होता है वो रिविजन वीडियो होता है, यानी कि समवेयर 15-20 मिनट के अंदर हम लोग 70-80 क्वेश्चन है वो कवर करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि पिछले मंथ के इंपॉर्टेंट थे, कितने क्वेश्चन के आंसर आप विदाउट ऑप्शन दे सकते हैं। ज्यादा डिटेल में ये वाला सेशन नहीं करते हम लोग, क्योंकि डिटेल में अगर आपको हर चीज के बारे में पढ़ना है गाइज, तो आप लोगों के लिए सुबह 8 बजे वाला सेशन है जिसको आपको रेगुलर देखना होता है। वो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे। अगर आप ये रेगुलर देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इंडिया के किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर में कभी भी 90% से कम नंबर है जो कि लेके आओगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसको कंपलसरी बना लो, चाहे लाइव देखो चाहे बाद में देखो कोई बात नहीं, लेकिन इसको देखना जरूरी है। 40-45 मिनट निकाल लिया करो, अपनी स्पीड के बढ़ा लिया करो, मोबाइल की 2.0 करके देख लिया करो। 15-20 मिनट 25 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो नॉलेज मिलेगी वो बहुत ही जबरदस्त मिलेगी, समझ गए। ये वाला जो सेशन है इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाने लगूंगा तो ये सेशन 2 घंटे का बन जाएगा। ये सिर्फ एक रिविजन सेशन है, उसी की तरह मैं लेके आता हूँ हमेशा, हर मंथ पिछले 2-3 सालों से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है 30+ एग्जाम की, तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके अनअकैडमी प्लस ले सकते हैं, जहां पे रेफरल कोड आपको BHU10 या BHUNESH10 लगाइए, 10% ऑफ आपको किसी भी एग्जाम में मिल जाएगा, चाहे UPSC हो, चाहे बैंक, SSC, PCS, डिफेंस, कोई IIT हो, कोई गेट हो, इंडिया का कोई भी XYZ एग्जाम हो, सभी के लिए एलिजिबल है। मुझसे अगर आपको कंप्लीट GK पढ़नी है तो SSC वाली कैटेगरी में आप पढ़ सकते हैं, मात्र 450 रुपये पर मंथ में, 1 साल का लोगे तो 2 मंथ का आपको फ्री मिल जाएगा। मेरे अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की भी पूरी क्लासेस मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करें। आपको पहला सवाल का जवाब देना है, जो देश संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक को COVID-19 टीकों की लगभग 2 लाख खुराक देने के लिए तैयार है, कौन से देश ने 2 लाख डोजेस COVID-19 के गिफ्ट किए हैं UN पीस कीपर को। हमने दोस्तों दुनिया के 70-80 देशों को जो है वो वैक्सीनेशन दी, अभी हमको खुद को जरूरत पड़ गई है वो बात अलग है, लेकिन हमने बहुत देशों की मदद की थी जब हमारे पास बहुत सारी थी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, कौन से देश ने दिया है, हमने दोस्तों UN की पीस कीपर को 2 लाख वैक्सीन है जो कि दी थी। ठीक है, गिव एवर गिवन क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा, एवर गिवन जल्दी बताइए। इजिप्ट के वाले रास्ते पे स्विस कैनाल में अटक गया था, याद ना, क्या था, एक कार्गो शिप था जो कि टेढ़ा अटक गया था। अब ना तो कोई आ पा रहा है ना कोई जा पा रहा है, समझ गए, बहुत नुकसान हो गया था। विश्व बैंक के अनुसार कौन सा देश पूर्वी एशियाई और प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक वसूली का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, कौन सा देश है जो कि लीड करने को तैयार है इकोनॉमिक रिकवरी, दुनिया में कौन सा देश रिकवरी कर रहा है, आप ही को मालूम ही है ना, एक ही तो कंट्री है जिसने पूरे दुनिया को कोविड दिया और अभी जो है खुद पार्टी कर रहा है। यार ये सुन के और ज्यादा जो है दुख होता है। आपने सुना होगा ना, एक दोस्त जो है, आप फेल हो जाओ कोई बड़ी बात नहीं, आपका दोस्त पास हो जाए उसमें ज्यादा दुख होता है, उसी तरीके से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग पार्टी कर रहे हैं पूरी COVID-19 पूरी दुनिया को देकर, ये सब बहुत बुरा लगता है। कौन है भाई ये, और ऊपर से इकोनॉमिकल रिकवरी भी कर रहा है, एकमात्र देश जो कि दोस्तों लास्ट ईयर भी जो है किसमें रहा, लास्ट ईयर भी दोस्तों पॉजिटिव में रहा, वो चाइना ही है, और जिसके अंदर दोस्तों हमारे देश पे तो आपको मालूम ही है बहुत ही ज्यादा दोस्तों हालत खराब हो गई है, मतलब। ठीक है, तो चाइना आपका सही जवाब है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको मिला है दोस्तों, जल्दी बताइए। हाँ भाई, PDF आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर बाय BHUNESH सर, एक 63,000 का टेलीग्राम ग्रुप होगा उसको ज्वाइन कर लेना, PDF वहां पे मिल जाएगा आपको, मैं कमेंट में भी दे दूंगा। ठीक है गाइस, आंसर क्या है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की बात करें तो आशा भोसले आपका सही जवाब है। भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है जिसे जियो सिंक्रोनस
ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा गया है। फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, ऑप्शन वाला वन लाइनर के अंदर ऑप्शन नहीं मिलते हैं। आपको कोशिश करनी होती है, दिमाग लगाओ। वन लाइनर में अगर आपने 50% भी सही कर दिए ना तो भी बड़ी बात है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। पेपर में ऑप्शन आ गया तो आप आसानी से कर दोगे, अगर आपने यहां पे 50% भी कर दिए तो। ठीक है, जी सेट वन आपका सही जवाब होगा। चलिए, किस सशस्त्र बल ने सेवानिवृत्त लड़ाकू कुत्तों को थेरेपी कुत्तों के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? रिटायर्ड कॉम्बैट डॉग्स को थेरेपी डॉग्स के तौर पे दोस्तों एम्प्लॉय किया गया, किसके द्वारा? ITBP के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, सरकार का ई मार्केट पोर्टल किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? ई मार्केट पोर्टल ऊपर वाला छोड़ दो, आंसर बताइए क्या होगा। आंसर होगा आपका यहां पे 2016 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस भारतीय व्यक्ति को दिया गया है? भारत का सबसे बड़ा दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सिनेमा का, दादा साहब फाल्के, जिन्होंने जो है राजा हरिश्चंद्र दोस्तों मूवी है 1913 में सबसे पहली बार बनाई थी, और उस टाइम पे महिलाओं के लिए ऑडिशन जब उन्होंने किया था ना भाई, मूवी के लिए पुरुष और महिला दोनों चाहिए, तो महिला कोई मिली नहीं तो पुरुषों को ही महिला बनाया था मूवी के लिए। काफी सक्सेसफुल मूवी थी। और ये किसको मिला है? रजनी साहब को, रजनीकांत जी को। ठीक है, शातिर उग्रसेना 2021 भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? शांतिर के बारे में बताइए, कौन से दो देशों के बीच में यह अभ्यास है? एक तो है हमारा इंडिया, दूसरा कौन सा कंट्री है जल्दी बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया, बांग्लादेश आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालयों की एकेडमिक रैंकिंग 2020 में भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच में पहला स्थान प्राप्त किया है? बताइए, एकेडमिक रैंकिंग में वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में इंडियन यूनिवर्सिटी जो कि नंबर वन पर है, पूरी दुनिया में नहीं, इंडियन यूनिवर्सिटी में नंबर वन पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? यह अपनी कलकत्ता यूनिवर्सिटी है। ओके, बंगाल शुरुआत से ही दोस्तों आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, सिनेमा, म्यूजिक इसके लिए बहुत जाना जाता है। चलिए, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट दोस्तों रिसेंटली किसने जीता है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, हुबर्ट के द्वारा दोस्तों ये जीता गया है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत शेफ है जो कि विकसित किया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक एडवांस शेफ जो है वो डेवलप किया है टू सेफगार्ड नेवल शिप मिसाइल अटैक से बचाने के लिए? किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है DRDO के द्वारा, इसका डेवलपमेंट है जो कि किया गया है। कितने भारतीय बिलियनियर फोर्ब्स की रिच लिस्ट में शामिल है? आपको मालूम है ना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा USA के हैं, कोई 726 के आसपास, सेकंड पे चाइना के हैं, कोई 680 के आसपास है, चाइना और USA के बराबर के आसपास ही है। तीसरे नंबर पे दोस्तों इंडिया के बिलियनियर, सोचिए मतलब दो भारत, देखिए एक देश में दो भारत बसते हैं, एक इंडिया और एक भारत है। एक इंडिया है जहाँ पे पूरी दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा बिलियनियर रहते हैं, और एक हमारा भारत है जहाँ पे भुखमरी की हालत में दोस्तों रैंकिंग में आप देखिए देश के 20 से 30 करोड़ लोगों के पास में दो वक्त का खाना भी नहीं है। तो यहाँ पे दुनिया के तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं, और 140 बिलियनियर पूरी दुनिया में, 3,500 के आसपास बिलियनियर्स हैं। ओके, जिसमें से 600 के आसपास तो पिछले साल ही एड ऑन हुए हैं, है ना, 400-500 लोग एड ऑन हुए हैं पिछले साल जो पहली बार इंक्लूड हुए हैं, 600 लोग हैं जो कि पहली बार आए हैं इस लिस्ट में। चलिए, और नंबर वन पे हमारे अंबानी है, दूसरे पे अडानी जी पहुंच चुके हैं, बहुत ही खतरनाक जंप मारी है। अब देखिए USA चाइना दोनों में बिलियनियर बहुत है, लेकिन यहाँ पे कोई भुखमरी, कोई समस्या कि कोई ज़्यादा गरीबी नहीं है, और एक हमारे में यहाँ पे इतने बिलियनियर है, 140 है,
और अभी है, तो जरूरी है कि फिलेंथ्रॉफी के अंदर भी हम लोग काफी आगे जाएं। दुनिया में परोपकार के अंदर हमारी रैंकिंग बहुत पीछे है, समझ गए, तो उसको थोड़ी सी इंप्रूव करने की जरूरत है। चलिए आगे बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को कितनी पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाएगी। फाइनेंस असिस्टेंस आरबीआई के द्वारा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 50,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट है जो कि किया गया था। 7 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द जेनोसाइड कौन से कंट्री के अंदर मनाते हैं, कौन से कंट्री में हुआ था 7 अप्रैल को, ये हुआ था आपका रवांडा के अंदर। ठीक है गाइस, तो रवांडा सही आंसर होगा। आयुष मंत्रालय ने पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के लिए एक नियामक तंत्र विकसित करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं, जल्दी बताइए। आयुष मंत्रालय ने एमओयू साइन किया है आयुर्वेदा यूज करने के लिए, कहां पर, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ फिशेज एनिमल हस्बेंड्री के अंदर दोस्तों, इनके साथ में ये एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट है जो कि ये पीडीओटी प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम माइग्रेंट वर्कर के लिए, कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया पीडीओटी, पीडीओटी कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, आंसर बताइए। यह हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो जयशंकर जी की है दोस्तों, उनके द्वारा किया गया है। चलिए चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए $480 मिलियन लोन कौन से बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया है, आंसर बताइए कौन सा है दोस्तों, ये आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसने ये लोन दिया है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, हमारे जो कंज्यूमर हैं उनके कॉन्फिडेंस को लेकर आंसर क्या होगा, आरबीआई ने और ये पब्लिश किया है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, रैंकिंग नहीं पूछी थी, पब्लिकेशन पूछा था, किसने पब्लिश किया है। क्लियर ट्रिप को किसने अक्वायर किया है, जल्दी बताओ कौन है, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के द्वारा दोस्तों अक्वायर किया गया, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट के द्वारा किया गया। मानस ऐप में एम क्या है, फुल फॉर्म है इसकी मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मल ऑगमेंटेशन सिस्टम, नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, तो एम का मतलब है मेंटल। आईपी गुरु नामक एक विशेषज्ञ पैनल लॉन्च किया गया किसके द्वारा, आईपी गुरु कौन से गुरु, आईपी गुरु जल्दी बताइए, एक बार वीडियो को शेयर भी कर देना गाइस, शेयर नहीं किया तो, और स्माइल फॉर ऑल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया तो। स्माइल फॉर ऑल एक यूट्यूब चैनल है, और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो स्माइल फॉर ऑल एक बिहार नाम से भी यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए किसने किया है, निक्सी नाम के दोस्तों एक इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा ये आईपी गुरु है जो कि लॉन्च किया गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021, एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो थीम था वो था रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर। बहुत ही मुश्किल सवाल है इसलिए मैंने बता दिया, मुझे भी पता नहीं था वैसे ऑनेस्टली। ठीक है, 14th साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा होस्ट किया गया है, बहुत ही सिंपल सवाल है, कौन सी मिनिस्ट्री होस्ट करेगी अंटार्कटिका, और ऐसे जो मिशन होते हैं उसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से दोस्तों जो कि देखती है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं, जेंडर संवाद कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, जल्दी बताओ, एक बच्चा निक्सी के बारे में पूछा, निक्सी क्या है, निक्सी है और अपना इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी के फुल फॉर्म है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे अपना एनएससी है बीएससी है वैसे निक्सी है। जेंडर संवाद इवेंट किसके द्वारा, रूरल डेवलपमेंट के द्वारा दोस्तों करवाया गया था। नेक्स्ट है,
पीएलआई स्कीम के तहत क्या बजट है दोस्तों, जो कि व्हाइट गुड के लिए रखा गया। व्हाइट गुड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक के सामान, एसी, एलईडी लाइट, ये सब। कितना बजट रखा गया था इसके लिए? 6000, ठीक है, 6238 करोड़ है दोस्तों जो कि रखा गया था। पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट भारत में कौन से कंट्री के द्वारा? गुजरात में दोस्तों लगाया जा रहा है। जल्दी बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? ये इटली के द्वारा लगाया जा रहा था, इटली आपका सही आंसर होगा। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ में जो है ऑन समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक का दहन करने वाले शहर के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं, एमओयू साइन किए हैं दोस्तों? किस देश के साथ में समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक को खत्म करने को लेकर? जल्दी बताइए। हाँ भाई, इटली आंसर हो जाएगा पिछले वाले का, राहुल जी के नानी का घर। चलिए आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? किसके साथ में? जर्मनी। ठीक है गाइस, तो जर्मनी के साथ में भारत ने करार है जो कि किया है, सिटीज कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग मरीन एनवायरनमेंट। ओके, साथ में डेनमार्क के साथ में भी किया है वैसे। चलिए आगे बात करते हैं, AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया ने किस देश की साझेदारी में शुरू किया है? किसके साथ में प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है? तो इंडिया के साथ में किया गया, तभी सवाल बना है। शिव सुब्रमण्यम रमन जो हाल ही में खबरों में थे, किस संगठन के अध्यक्ष के और एमडी के रूप में पदभार संभाला है? ओके, शिव सुब्रमण्यम रमन जी की बात करें तो सिडबी के दोस्तों इनको नया एमडी बनाया गया है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन दोस्तों कौन से राज्य को दी गई? तो आपको मालूम है सबसे ज्यादा जरूरत महाराष्ट्र को थी, तो महाराष्ट्र को ही मिली है। अर्थ डे 2021 की थीम क्या है, जल्दी से बताइए। अर्थ डे के बारे में बताइए, कितनी तारीख को मनाते हैं? बिल्कुल सही है, रीस्टोर आर अर्थ इसका थीम होगा। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? ओके, स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है, शोएब के द्वारा, कार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स शोएब जी के द्वारा इसका फॉर्मेशन 1971 में किया गया था। और जेंडर गैप हो गया, टूरिज्म इंडेक्स हो गया, बहुत सारे रैंकिंग रिलीज करते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन में हमारी रैंकिंग 87 है। नेक्स्ट है, एनएससी इंडेक्स का नाम क्या है जिसने अभी रिसेंटली 25 साल कंप्लीट करे हैं? क्या नाम है उसका? एनएससी निफ्ट, ठीक है, इंडेक्स का नाम क्या है? निफ्टी। ओके, आपको मालूम है दो तरीके के इंडेक्स बहुत ही फेमस है, एक तो है अपना दोस्तों निफ्टी हो गया और एक हो गया अपना सेंसेक्स। सेंसेक्स जो है वो हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, और हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का तो अपना सेंसेक्स है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी है। ठीक है गाइस, चलिए, कौन सा प्रोग्राम WHO के द्वारा बैक किया गया है ताकि यंग लोग जो है दुनिया में COVID-19 के इंपैक्ट को कम कर सके, फंड कर सके, कम कर सके? उसका नाम है ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन। नेक्स्ट है, कोडेक्स हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र से जुड़ा है? कोडेक्स प्रोग्राम की बात करें गाइस, तो ये जुड़ा हुआ है किससे? फूड के स्टैंडर्ड को लेकर। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस रिसेंटली दोस्तों कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया? नेट जीरो बैंकिंग अलायंस किसके द्वारा किया गया है? यह हमारे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया गया, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी के अंदर है। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त योजना की घोषणा की ताकि विकासशील देशों को जलवायु वित्त को दोगुना किया जा सके? इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान्स किसके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है? यह अमेरिका ही करेगा, ऑब्वियसली अमेरिका ने किया है। ठीक है गाइस, यूनिकॉर्न अभी नाम दिया गया है, 1500 लाइट ईयर दूर है हमारी अर्थ से, ये क्या है? ये क्या है यूनिकॉर्न के बारे में बताइए? यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉर्न है हमारा एक ब्लैक होल, ठीक है, जिसके बारे में रिसेंटली डिस्कवरी हुई थी। इंजेनिटी नासा का हेलीकॉप्टर किस स्थान पर भेजा गया है? पहला हेलीकॉप्टर दोस्तों जो कि पहुंचा, कहां तक पहुंचा, जल्दी बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
मार्स, ठीक है। 2021 वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, आपका बिल्कुल सही जवाब है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड अर्थशास्त्र के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के हिसाब से कितनी है दोस्तों? 10.2% है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा चेंज होती रहेगी, तो ये पेपर में सवाल नहीं बनेंगे आपके ऐसे वाले, क्योंकि हर एक महीने दो महीने में चेंज होगी, क्योंकि अभी हालत खराब है, ठीक है। चलिए, तो यूएस प्रेसिडेंट ने दोस्तों मैसाकेयर जो है 1915 में हुआ था जेनोसाइड, उसको रिकग्नाइज किया। कौन से देश के जेनोसाइड को रिकग्नाइज किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? अर्मेनिया, ठीक है गाइज, अर्मेनिया अजरबैजान वाले एरिया में। ओके, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या है? गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत का जो रैंकिंग है वो है दोस्तों 49, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट डेंटेक जो कि बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है, कौन से कंट्री में इसको कंप्लीट किया गया है? बहुत सालों से चल रहा है ये प्रोजेक्ट, नेहरू जी के टाइम पे स्टार्ट किया गया था, ये चल रहा है आपके भूटान के अंदर, ठीक है। रोड वहां पे इंडिया ने ही बनाई है। चलिए, एनसीटी नया बिल लाया गया है दोस्तों, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का मतलब क्या है? पता नहीं, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का मतलब बचपन से तो हम लोग वहां की जो गवर्नमेंट है जो कि जनता चुनती है वो माना है हमने तो, लेकिन अभी सरकार बोलती है कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को जो है आप सरकार जो जनता ने चुनी है वो मत मानो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चुन रही है उसको मानो, जो कि हमारे एलजी वाल साहब है। चलिए, यानबू बंदरगाह हाल ही में खबरों में था, ये कहां पर है? यानबू बंदरगाह है दोस्तों आपके सऊदी के अंदर, सऊदी अरेबिया, ठीक है। पीएम जन आरोग्य योजना किस सतत विकास लक्ष्य के साथ शुरू करी गई थी? जन आरोग्य योजना, ठीक है, हेल्थ को लेकर था ना आरोग्य योजना, तो कौन सा सस्टेनेबल है हमारा? 3, ठीक है, हेल्थ जो है ना आपकी उसको लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3। चलिए, माइकल कॉलिंस जिनका हाल ही में समाचार में था, किस क्षेत्र से जुड़े थे? माइकल कॉलिंस याद है क्या? नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एल्ड्रिन, 3 लोग थे जो कि मून के ऊपर गए थे, 2 लोगों ने कदम रखा था। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस साइंटिस्ट थे दोस्तों कॉलिन, एल्ड्रिन और दोनों ने तो कदम रखा, और कॉलिन दोस्तों स्पेसक्राफ्ट को संभाले हुए थे। नेक्स्ट है, 2 नए स्पीशीज डैम सेल्फीज के दोस्तों डिस्कवर करे गए, कौन से रीजन में? सेल्फलाइज, 2 न्यू स्पीशीज दोस्तों डैम सेल्फलाइज के, जो फ्लाई होती है ना आपके जो, उसके इंडिया में डिस्कवर करे गए, कौन से रीजन के अंदर? या आपके वेस्टर्न घाट में पता करे गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं, विकासशील एशिया का आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने जारी किया गया है? डेवलपिंग एशिया इकोनॉमिक आउटलुक, एशिया के बारे में बात हुई है तो कौन जारी करेगा? एडीबी जारी करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। कस्टम के ऑफेंसेस के लिए भारत ने कौन से देश के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है? कस्टम को लेकर भारत ने किसके साथ में किया है? ये हमने किया है यूके के साथ में, तो यूके आपका सही आंसर हो जाएगा। यानबू मैं बता चुका हूं। NEO-01 रोबोट कौन से कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि स्पेस के कचरे को हटाया जा सके? स्पेस के कचरे को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपके यूएसए तो नहीं है, चाइना, हाँ चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए, चाइना ने लॉन्च किया लेकिन खुद ने कचरा कर दिया, हमें रिसेंटली सेटेलाइट छोड़ी थी, वो कचरा हो गया उसका, कुछ जवाब नहीं दे रहा उसका। B1617 क्या है जो हाल ही में समाचार में देखा गया है? B1617 सिंगल म्यूटेंट, डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट भी आ रहा है, ये क्या है दोस्तों? आपका COVID-19 का वेरिएंट है। ओके, इंडियन वेरिएंट के तौर पे जाना जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कितनी ग्रोथ है जो कि इंडिया की फाइनेंशियल 2022 में बताई गई है? आंसर हो जाएगा 11%।
आरटीपीसीआर परीक्षा में सिटी क्या दर्शाता है? जल्दी बताइए, आरटीपीसीआर, पहले तो मेरे को आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म बताओ। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, मालूम है ना? ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ये तो हो गया आरटीपीसीआर। इसमें सीटी का पूरा क्या है? साइकिल थ्रेशोल्ड, ठीक है गाइस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीटी की साइकिल थ्रेशोल्ड है, जो कि हम कहते हैं, ठीक है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए भाई, जल्दी बताओ। पेशेंट जो है वो पॉजिटिव कब होता है कोविड 19 का? जब 35 से नीचे उसकी वैल्यू होती है, जब साइकिल थ्रेशोल्ड 35 से नीचे होती है तो बंदा क्या होता है? कोविड पॉजिटिव है दोस्तों, जो कि होता है। इससे भी आप जो है वो वैल्यू को पता कर सकते हो, ठीक है, ओके। 35 से नीचे जाते ही जो है उसको पॉजिटिव है, जो कि डिक्लेयर कर दिया जाता है। नंबर ऑफ साइकिल्स है जो कि वायरस को पता करने के काम में आती है। आगे बात करते हैं, इम्यूनाइजेशन एजेंडा WHO के द्वारा प्रपोज किया गया, ओके, तो ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? IA एजेंडा, WHO और कई सारे पार्टनर कंट्री के द्वारा, लोगों के 5 करोड़ लोगों की जान बचाने के लिए दोस्तों किया गया, इसको प्रपोज किया गया है। कब तक? 2030 तक दोस्तों। IA 2030 है जो कि इसको कहते हैं। रिसेंटली दोस्तों एक एथलीट ने दूती चंद और हिमा दास को हरा दिया नेशनल चैंपियनशिप के अंदर 100 मीटर में। कौन है वो? वो है दोस्तों धनलक्ष्मी जो है, जिन्होंने दोस्तों दोनों को हरा दिया। कौन से इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि सब्सिडरी है दोस्तों, जिसने इनकॉर्पोरेट किया है न्यूली ओन्ड सब्सिडरी रिसेंट इस क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को लेकर? तो पंजाब नेशनल बैंक ने दोस्तों किया है, ठीक है, न्यूली ओन्ड सब्सिडरी है जो कि क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को लेकर बनाई है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश को 2020 में दक्षिण एशिया में बाल और मातृ मृत्यु में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज करनी है? सबसे ज्यादा इंक्रीज है जो कि चाइल्ड और मटर्नल डेथ में देखने को मिलेगी साउथ एशिया 2020 के अंदर। कौन सा कंट्री है? एज यूजुअल हालत हमारे हेल्थ के खराब है, हमारा देश है। नीति आयोग ने पार्टनरशिप करी है दोस्तों कौन से टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ में, ताकि वो ट्रेन कर सके स्टूडेंट को क्लाउड कंप्यूटिंग के लेकर? जल्दी बताइए। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, अमेज़न के साथ में करी है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कमिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई टेक्नोलॉजी एरिया, एक कमिटी बनाई गई है मैन्युफैक्चरिंग हाई टेक्नोलॉजी एरिया, उसके हेड किसको बनाया गया है ये आपको बताना है। हेड कौन है? पीयूष गोयल जी को बनाया गया है। कौन से कंट्री दोस्तों एग्रीमेंट विच इंडिया ने एग्रीमेंट एंटरशिप किया है पेटेंट को लेकर, पेटेंट प्रोसिक्यूशन को लेकर भारत ने कौन से देश के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है? आंसर हो जाएगा आपका जापान। नेक्स्ट है दिव्यांश सिंह पनवार और वेला रिवन न्यूज में थे, कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? दिव्यांश और एलावेलिन दोनों दोस्तों कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? ये दोस्तों जबरदस्त शूटर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली टूर्नामेंट जीता भी है विदेश में। ATI बॉर्न इन इंडिया, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलैक्स किया है नॉर्म्स ATI बॉर्न के वैल्यू को लेकर? ये सेबी के द्वारा किया गया है। खेलो इंडिया स्कीम रिसेंटली एक्सटेंड कर दी गई है, कौन से साल तक? अभी हरियाणा के अंदर बोला जा रहा है नेक्स्ट वाला खेलो इंडिया गेम्स खेला जाएगा, उससे पहले गुवाहाटी, उससे पहले पुणे, उससे पहले दिल्ली में हुआ था। 2025-26 तक इसमें एक्सटेंड किया गया। 1000 एथलीट चुने जाते हैं 8 साल के लिए, 5 लाख रुपए उनको मिलते हैं तैयारी के लिए सालाना, ओके। कौन सी कंपनी को CBI के द्वारा बुक किया गया फ्रॉड के अंदर PMAY अंत्योदय योजना के तहत? तो ये
DHFL कंपनी है जिसको सीबीआई ने फ्रॉड में पकड़ा है। हाल ही में भारत ने केप गेज लोकोमोटिव को किस दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना किया है? केप गेज लोकोमोटिव को कौन से अफ्रीकन कंट्री में भेजा है? इंडिया ने मोजाम्बिक में। फर्स्ट हिस्टोरिक वर्चुअल सबमिट करवाया गया रिसेंटली, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहां पे दोस्तों क्वाड कंट्रीज का पहली बार सबमिट हुआ है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के युवा वैश्विक नेताओं सूची में शामिल किए गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर्स लिस्ट में इंक्लूड करे गए हैं। जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। ठीक है गाइज, चलिए कौन सी बॉडी ने रिकमेंडेशन दी है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 12 पब्लिक बॉडी को प्राइवेट करने को लेकर? बताओ एक साथ ही 12, एक दो भी नहीं, एक साथ ही 12। नीति आयोग, एक तो ये नीति आयोग ने भी जीना आराम कर दिया। पहले बेचारा प्लानिंग कमीशन था, चुपचाप बैठा रहता था, कोई काम नहीं करता था ठीक ठाक। ये नीति आयोग को तो इनकी इनिशिएटिव ऐसे लगते हैं कि उल्टे और पड़ते हैं हमारे ऊपर, 12 और मतलब सीधे ही। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री का निधन हुआ, बुकायो का नाम लिया गया है? हामिद दोस्तों उनका नाम था जो कि प्राइम मिनिस्टर थे। कौन से देश के? आइवरी कोस्ट के। कौन से यूनियन मिनिस्टर दोस्तों, उन्होंने ई कॉमर्स पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट करी है? कौन है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ऑब्वियसली, जो कि ड्राफ्ट करेगी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेबर मिनिस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड जॉब्स सर्वे फॉर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? फ्रीक्वेंसी कितनी है लेबर मिनिस्ट्री के जॉब सर्वे को लेकर? तो ये क्वार्टरली दोस्तों किया जा रहा है। ओके, अभी भारत की रिटेल इन्फ्लेशन जो है ना वो 5% के ऊपर चली गई थी। तो किस चीज के प्राइसेस है दोस्तों जो कि बढ़े हैं? तो आपको मालूम है फ्यूल दोस्तों 100 रुपए से भी ऊपर चला गया है। तो क्या फ्यूल के प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन भी काफी बढ़ गया है? ये तो आपको मालूम ही है, क्वाड कंट्रीज है इसका तो आंसर। 75% रिजर्वेशन है दोस्तों जो है वो अभी प्राइवेट सेक्टर की जॉब में लोकल के लिए रखा गया है। पहले तो हरियाणा ने बोला, हरियाणा के बाद कौन से राज्य ने अनाउंसमेंट किया है 75% रिजर्वेशन? तो ये दोस्तों किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा अनाउंस किया गया है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हमने दोस्तों लास्ट मंथ के वन लाइनर करंट अफेयर है जो कि कवर करें। मुझे मालूम है आपको 50% भी अगर आंसर आ गए हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं होते तो बहुत मुश्किल होती है आंसर करने में और एग्जाम में आपको, लेकिन आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको अनअकैडमी पे 30+ गवर्नमेंट जॉब में से किसी की भी तैयारी करनी है तो आप अपना रेफरल कोड BHU10 या भुवनेश्वर लगा के 10% ऑफ पा सकते हैं और आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपको इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर के सारे क्लासेस, PDF, टेस्ट सीरीज, नोट्स, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, वापस से मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।